ओके, सो नाउ इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, हम कहते हैं एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने कहा 2 + 3, तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका एक रिजल्ट होता है। एक्सप्रेशन मतलब जब उसको हम एवेल्यूएट करते हैं तो फाइनली एक वैल्यू हमको मिलता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, बात करते हैं इस बारे में। तो मैंने कहा न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, अभी हमने काम किया जे डॉट सी पे, नाउ क्रिएट करेंगे के डॉट सी, ठीक है। तो मैं अल्फाबेटिकली क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने कहा के डॉट सी क्रिएट किया। नाउ एंट्री पॉइंट क्रिएट करना है हमें अपने एप्लीकेशन का, अपने प्रोग्राम फाइल का। मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन क्रिएट किया मेन, और बॉडी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक रिटर्न टाइप है इंट, और लास्ट में हमने कहा रिटर्न 0, ठीक है। नाउ प्रिंट करेंगे हम कुछ यहाँ पर, तो प्रिंट करने के लिए हम sdio.h को इंक्लूड करेंगे। तो हमने कहा हैज़ इंक्लूड, हैज़ इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर, हैज़ इंक्लूड प्री प्रोसेसर है, जो कि कंपाइल होने से पहले इसकी जो प्रोसेसिंग है वो हो जाती है, मतलब जो फाइल है वो उठ के यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा sdio.h को इंक्लूड कर लिया। नाउ जब कुछ प्रिंट करेंगे तो यूज़ करेंगे हम प्रिंट एफ का, भी इसको छोड़ देते हैं। नाउ यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर कहा इंटीजर एक वैल्यू क्रिएट किया, मैंने इंटीजर एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट वेरिएबल, मैंने कहा रिजल्ट इक्वल, मैंने रिजल्ट में क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक एक्सप्रेशन यहाँ पे वैल्यूएट करना है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन मतलब एक मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन होगा जिसका एक कुछ रिजल्ट होगा, फाइनल जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में आगे असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मैंने कहा 3 / 2 + 5 / 4 / 3, ओके, ये एक एक्सप्रेशन है। इस बारे में हमको बात करना है कि ये कैसे यहाँ पे वैल्यूएट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया 3 + 2 किया तो 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो पहले कौन सा मुझे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, पहले कौन सा सॉल्व होगा। तो जैसा कि आपके मैथमेटिकल में होता है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है वैसे ही होता है। आपने क्या पढ़ा हुआ है जनरली, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा, उसके बाद होगा प्लस और माइनस, ठीक है, इस तरह से काम करते। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक और जो ऑपरेटर है वो मॉड्यूलस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको इस एक्सप्रेशन सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, मतलब आप तो नहीं करेंगे, कंपाइलर की बात कर रहे हैं कि जब रन होगा प्रोग्राम तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो होगी मल्टीप्लाई को, या तो डिवाइड को, या फिर मॉड्यूलस को, इन तीनों में से कोई भी एक। ना अगर ये तीनों हैं तो क्या होगा, उस बारे में भी देखेंगे। ना अगर मेरे पास सेकेंड प्रायोरिटी वो मुझे किससे मिलेगी, अगर ये सब नहीं है तो फिर मुझे किससे सॉल्व करना है, या तो प्लस को या तो माइनस को, एंड देन थर्ड में लास्ट में क्या होगा, असाइनमेंट, ठीक है। जब ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा देन लास्ट में होता है असाइनमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, मॉड्यूलस को, सेकेंड प्रायोरिटी प्लस या फिर माइनस को, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, थर्ड में होगा असाइनमेंट। तो इस तरह से ही यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो देखेंगे इसको एग्जांपल में, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़, अगर आपके आपके एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, मान लीजिए 2 + 5 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, तो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट के पहले आता है 0th जो प्रायोरिटी है वो मिलेगी हमारे इस ब्रैकेट को। सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे इवेल्यूएट होगा, ठीक है। तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए, बिना रन किए हुए हम अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी आप देखो, मैंने बताया या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। अब अगर दोनों हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड से राइट में जाएंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में से पहले कौन मिल रहा है, ठीक है। इस साइड ऐसे जाएंगे, तो पहले क्या मिला मुझे, इस साइड से मुझे मिला है डिवीज़न। तो थ्री, जब टू थ्री को मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो कितना आएगा आंसर मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया 1। नाउ मैंने कहा 5 × 4 / 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, मल्टीप्लाई करना है या तो मुझे डिवाइड करना है, लेकिन हम अभी देखो मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी, तो हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की साइड। तो पहले मुझे क्या मिला, मल्टीप्लिकेशन मिला, तो मैंने कहा 1 + इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 20 / 3। अब मेरे पास क्या है, डिवीज़न बचा हुआ है, तो 1 + जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। मॉड्यूलस बचेगा 2, ये क्या है, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सब दशमलव में वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर है। मैंने आपको बताया था इंट और इंट का जब कोई भी ऑपरेशन होगा तो हमको फाइनल जो रिजल्ट है वो इंट मिलेगा। यहाँ पर मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 6 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये इंट है। तो 6 मिल गया। नाउ 6 और ये लास्ट में क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर हो गया 7। सीधे सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस एंड लास्ट में, हाँ लास्ट में असाइनमेंट, जो 7 आया है वो इस रिजल्ट में असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करके देख लेते हैं जो हमने किया वो सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर कहा प्रिंट एफ, और यहाँ पर मुझे जो इंट है, क्योंकि वो तो मैंने यहाँ पर कहा परसेंट डी से हम उसको प्रिंट करेंगे, स्पेसिफाई किया हमने कि ये एक इंटीजर वैल्यू। नाउ यहाँ पर हमको क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट किया, टर्मिनेट करेंगे लाइन को एंड देन इसको रन करेंगे।
तो रिजल्ट आना चाहिए 7, प्रॉपर है, 7 आया रिजल्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कहा 2 × 3 ÷ 4 + 4 ÷ 4 + 8 − 2 + 5 ÷ 8। नाउ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा वो हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीज़न अगर दोनों हैं तो लेफ्ट टू राइट, प्लस या फिर माइनस अगर दोनों हैं तो फिर लेफ्ट टू राइट, और लास्ट में मॉडुलस भी है, और इसके बाद असाइनमेंट। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले आप देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर आया मल्टीप्लाई, तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6, आंसर आ जाएगा 6 ÷ 4 + 4, पूरा फिर से लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 4 + 8 − 2 + 5 ÷ 8। अब आप देखो इसमें डिवाइड 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 ही किया हुआ है, लेकिन 3 बार हुआ है, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब इस साइड जाऊंगा तो सबसे पहले आया 6 ÷ 4, तो 6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 1, क्योंकि दशमलव में हमको वैल्यू नहीं लेना, क्योंकि ये इंट है, तो इंट और इंट का जब कुछ भी होगा तो इंट ही मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया 1। नाउ पूरा एक्सप्रेशन फिर से लिख देते हैं, 4 ÷ 4 + 8 − 2 + 5 ÷ 8। अगेन डिवाइड करेंगे, ये वाला रिजल्ट पहले पहले कैलकुलेट होगा, तो आया 1 + जब मैं 4 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा मेरे पास 1, ठीक है, 4 एकम 4, तो आया 1 + 8 − 2 किया +5 ÷ 8। अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अभी देखो एक ही डिवाइड डिवाइड किया है, तो हम इस डिवाइड को पहले करेंगे, तो उनका 1 + 1 + 8 − 2, ठीक है। नाउ इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0। मैं 5 को अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, मैं 0 टाइम ही जाएगा यहाँ पे, जो जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा, लेकिन हमको चाहिए आंसर, तो यहाँ पर आएगा +0। अब हमको करना है प्लस या फिर माइनस, तो कुछ भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 8 − 2 + 0। ना यहाँ पे प्लस करेंगे तो जाएगा 10 − 2 + 0। अब देखेंगे आप लेफ्ट टू राइट, तो ये आया पहले, तो मैंने कहा इसमें से आएगा 8 + 0, तो राइट नजर आया, इसमें आ जाएगा आंसर 8, ठीक है। नाउ रन करके देखते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा 8 आना चाहिए। सेमी कोलन इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, सेव किया, रन करेंगे तो क्या आया आंसर 8, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया हुआ था कि अगर इंट और इंट है, सारी वैल्यूज इसमें इंट है, तो आप देखोगे इसमें जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो इंट आ रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं आपके किसी भी एक्सप्रेशन में, तो वो जो एक्सप्रेशन है किस तरह से यहाँ पे एवेल्यूएट होता है। अगर इसमें मॉड्यूलस होता तो मॉड्यूलस को भी सेम जो प्रायोरिटी है वो मिलती, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मिलती है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।